नमस्कार दोस्तों, मेरे को चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा एमएस वर्ड में पेज लेआउट टाइप के बारे में, जिसमें आप लोग को बताया जाएगा पेज सेटअप के बारे में कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया। एमएस वर्ड होने के बाद हम जाएंगे हम पेज लेआउट में। यहाँ पर देखो लिखा पेज सेटअप ग्रुप, क्या लिखा है, पेज सेटअप ग्रुप। ये जो हमारा पेज सेटअप जो ग्रुप है, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगा। सभी कमांड्स के अंतर्गत क्या क्या कमांड्स आते हैं ग्रुप के अंतर्गत, उस सब के बारे में आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा। हमेशा के लिए आपको दिक्कत है उसमें आएगी ही नहीं, समझ लीजिए। मैं इस तरीके से मैं आप लोग को बताऊँगा। सबसे पहले इसमें आपका आता है मार्जिन। मार्जिन का काम आपका होता है पेज को व्यवस्थित करना। जैसे कटआउट जो हमारा होता है, अगर मेरा देखिए जो मैंने वर्ड आर्ट जो हमारा रूलर दिया है, रूलर अगर रूलर हमारा इस तरीके से है, इसको हमको सेट करना चाहते हैं। जैसे हम कुछ लिखते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे लिखा है इस तरीके से वर्ड आपका आ रहा है, हमें वर्ड इस तरह चाहिए, मतलब हमारा वर्ड ऐसे होना चाहिए, मतलब सटीक होना चाहिए, इसमें सेट होना चाहिए। तो उस समय आपको क्या करना रहता है, हम मार्जिन का प्रयोग करके उसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिन पे जाकर यहाँ देखिए आपको मिलेगा नेरो, नेरो पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका जिस तरीके से था उस तरीके सेट हो जाएगा आपका। फिर आपका मिलता है नॉर्मल, नॉर्मल पे जाकर जब क्लिक करेंगे तो आपका नॉर्मल, जैसे आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं उस समय आपका होता है रूलर आपका होता है उसी तरीके से होता है। इसका अर्थ आपका निकलता है मार्जिन का काम होता है पेज को व्यवस्थित करने के। देखो लिखा नहीं है इसका मार्जिन साइज फॉर द एडिट डॉक्यूमेंट फॉर द करेंट सेलेक्शन, मतलब क्या बता रहा, पूरा स्थान, मतलब जो आपका स्थान दिया उसी पर आपका वो सेट हो जाएगा। फिर आपका आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में देखिए दो प्रकार के ओरिएंटेशन, तो एक आपका होता है लैंडस्केप, एक आपका होता है पोर्ट्रेट। लैंडस्केप मतलब आपका होता है पेज को जिसकी लंबाई क्या नाम है कम हो और चौड़ाई ज़्यादा हो, उसे क्या बोलेंगे हम लैंडस्केप। हम लैंडस्केप पे जब क्लिक करते हैं देखिए इसकी चौड़ाई आपका ज़्यादा हो गया और लंबाई क्या आपका हो गया है कम हो गया, इसी को क्या बोला जाता है लैंडस्केप। उसके बाद आपका आता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जब पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो उसे क्या बोलेंगे हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो आप लोगों ने सीख चुके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा पोर्ट्रेट क्या होता है। इनसे देख लीजिए, लंबाई जो आपका होता है पोर्ट्रेट में, जिसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो उसे बोलेंगे हम पोर्ट्रेट, और जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो लंबाई कम हो उसे क्या बोलेंगे हम लैंडस्केप बोला जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है साइज। देखिए अक्सर जो हम लोग फोटोकॉपी करवाते हैं क्या नाम है कुछ टाइप करते हैं, उसमें हम लोग ज़्यादातर टाइप करते हैं A4 में करते हैं। ठीक है, तो अधिकतम माना गया हम लोग करते काम जो करते हैं A4 में करते हैं। लेटर में टाइप आपका होता है उसे तमाम प्रकार के काम करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या नाम है आपको जो दिया है साइज पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए लेटर दिखाई दे रहा है। अब लेटर जो हम टाइप कर रहे हैं ना पेज, ये पेज हमारा क्या है, लेटर साइज है। कैसे पता करेंगे हमारा लेटर है, यहाँ पर जब जाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लेटर आपका दिखाई देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया A3 उसे चौड़े में आपका हो जाएगा, A4 कर देंगे उससे बड़े में आपका हो जाएगा, इस तरीके से देखिए। फिर आपका आता है कॉलम, क्या आता है कॉलम। कॉलम का मतलब आपका होता है बांटना, लिखा नहीं है स्प्लिट इनटू द इनटू टू फोर मोर कॉलम, क्या बता रहा है दो भागों में क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देगा, मतलब इसको कई भागों में आप डिवाइड करना चाहते हैं दो तीन भागों में तो उससे आसानी के साथ क्या कर सकते हैं उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, वर्ड को सेट कर लीजिए ऐसे। ठीक है, सेट करने के बाद यहाँ पे कॉलम पे जाकर जब टू कॉलम पे क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक ये जो हमारा लाइन दिया देखिए आपका है, जब तक लाइन फुल नहीं हो जाए तो आप इस कॉलम में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रोलर जो हमारा दिया है ये ऐसा ऐड ही है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए हमने कुछ टेम्पलेट लिख रहे हैं फिर से कोड होता है लिख दिया मैंने राइन रहेगा तो मेरा ये हो गया। अब देखिए जब हमारा फुल जब हो गया तो आपका दूसरे स्ट्रीम में आ गया कि नहीं आ गया, तो इस तरीके से हम टाइप कर सकते हैं। ऐसे आपका होता है थ्री कॉलम में, थ्री में भी आपका आता है, अब ये तीन फुल जब आपका हो जाएगा तब तीसरे स्ट्रीम में आप काम कर पाएंगे, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर पुनः उसी स्तंभ लाना तो क्या करना, आपको जाना वन पेज पर क्लिक कर देंगे आपका वो वन पेज हो जाएगा। ऐसे राइट करना है, लेफ्ट करना तो लेफ्ट साइड आपका हो जाएगा, राइट करना तो राइट साइड आपका हो जाएगा, और उसके बाद आपको वन करना है तो वन पेज, मतलब एक पेज में आपको दिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप एक पेज में इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉलम का काम क्या होता है। कॉलम का काम आपका होता है बट किसी भी पेज में जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको कई पोजिशन में रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम कॉलम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके आप फिर कॉलम प्रयोग करेंगे तो देखिए तीन भागों का निवार जो हम पॉइंट जो लिखते हैं पॉइंट वन कविता भी लिखा जाता है इसमें ही चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूरा उसी अवस्था में लाना, सेट करिए पूरी चीज़ को। सेट करने के बाद क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है, भगवान को क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक आपका वो सेट हो जाएगा। ठीक है,
फिर आपका जो ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। आप लोगों ने अगले वीडियो में देखा था, हमारे वीडियो में देखा होगा, इंसर्ट टाइम आपको मिलता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का भी काम आपका होता है तोड़ना। ऐसे आपका पेज आउट में भी आपका पेज जो ब्रेक हमारा दिया है उसका भी काम होता है तोड़ना। लिखा नहीं इंसर्ट पेज एंड द सिलेक्शन ब्रेक, मतलब क्या होता है जो आपने सेलेक्ट किया पेज को तोड़ सकते हैं। ऐड पेज सिलेक्शन पेज कॉलम फिर आप दे ब्रेक द डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको वहाँ पे हो तो चीज़ को क्या कर सकते हैं आसानी से उसको आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, अब कुछ नहीं करना, ज़्यादा वर्ड पे आप यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्रेक पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे मिलेगा पेज ब्रेक, क्लिक किया ऑटोमेटिक आपका अलग हो जाएगा, अलग हो गया। ऐसे सेम कंट्रोल से वापस आ जा रहे हैं, फिर यहाँ पे ब्रेक पे जाना है, फिर देखिए जाए कॉलम में दिया, कॉलम डिवाइड कर सकते हैं, कॉलम जमा कर सकते हैं, कंट्रोल वापस कर लेंगे ऐसे आप यहाँ तमाम प्रकार के लिए। अब आसानी से उस चीज़ को आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका दिया पेज नंबर, पेज नंबर का मतलब आपका होता है कितना पेज आपने टाइप किया, मतलब कितना पेज आपने लिखा है, सॉरी कितना लाइंस आपने लिखा है, उसे जो लाइन नंबर बोलते हैं, पेज नंबर नहीं बोलते, सॉरी लाइन नंबर जो हमारा होता है कितना लाइन आपने वर्ड को टाइप किया है वो लाइन आपको बताएगा। जैसे एक लाइन ही हुआ दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये आपका क्या होता है लाइन नंबर है आपके अगर आपका वो चीज़ें आती हैं। कैसे आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लाइन नंबर पर क्लिक करना और यहाँ पर करना है कॉन्टिन्यू, तो जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका वो नंबर लग जाएगा। इतना लगा है क्योंकि पैराग्राफ है, आप इस पूरी चीज़ को सेट कर लीजिए और सेट करने के बाद जाके नंबर पे लगा दीजिए, ऑटोमेटिक आपका सब लग जाएगा। लगा कि नहीं लगा, आपने स्पेस दिया, स्पेस मतलब पैराग्राफ खत्म होने के बाद दूसरा पैराग्राफ लिखा है तो 17 पे लिखा जा रहा है, तो इस तरीके से उस पेज को कर सकते हैं। कैसे हैप्सन का काम होता है, इससे ज़्यादा काम इसका नहीं हमका होता है। हैप्सन में देखिए क्या होता है, हैप्सन जब क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली आपका जो इधर उधर आपका होता है वो सही आपका होता है, काम लग जाता है। जैसे इसका काम ये होता है जैसे हमें यूज इंसर्ट यूज इन यूजिंग जो लिखते हैं ना, यूजिंग जो हम पेज कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे हमने पेज लिखा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये टेम्पलेट हमारा दिया यहाँ तक करेंट टेम्पलेट दिया, हैप्सन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक क्या आपका हो जाएगा, सॉरी हो नहीं रहा है, जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं तो क्या नाम है हमने, जैसे हमारा पेज लास्ट में खत्म होता है, जैसे हमने देखिए यहाँ पे लास्ट में खत्म हो रहा है यूजिंग लिखा यू एस आई एन जी, मतलब पेज जब हमारा खत्म हो जाए तो यू एस आई एन जी हमारा दिया ना, तो यहाँ पे आई एन जी उसको सेट करने के लिए क्या कर दिया, हैप्सन लगा दिया, ठीक है। ये ध्यान दें आपको, देखो सेट हो गया, और यहाँ पे देखो यूजिंग दिया था यहाँ पे ना, यूजिंग सेट कर दिया था यहाँ पे, यहाँ पे हैप्सन पे जब क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक देखिए पैनल पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका यूजिंग आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों ने सीखा पेज सेटअप कमांड का, ग्रुप कमांड का प्रयोग कैसे करेंगे। अगर मेरी वीडियो को आप लोग को समझ में आया तो मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पेज बैकग्राउंड का प्रयोग कैसे करेंगे, तो मेरी वीडियो को ध्यान से पूर्वक देखिए। और मेरी वीडियो को अगर आपको कोई चीज़ दिक्कतें हो तो मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप उसको डाटा को टाइप कर सकते हैं, दिक्कतें को मैं वहाँ से उस चीज़ को सुधार करने में मदद करूँगा। थैंक यू, वेलकम।